हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ टेस्टों के बारे में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ आ गई है। जो कैंडिडेट हैं सीआरपीएफ टेस्ट में फिजिकल का वेट कर रहे थे, दोस्तों फाइनली यहाँ पर फिजिकल कब से होने वाले हैं इसकी यहाँ पर डेट जारी कर दी गई है। और दोस्तों, जो कैंडिडेट यहाँ पर जुलाई मंथ में एग्जाम दे के आए थे सीआरपीएफ टेस्टमेंट का, उसका यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इसकी भी यहाँ पर डेट जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सी आई पी एफ टेस्टमेंट के यहाँ पर रिजल्ट और फिजिकल डेट के साथ साथ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और जो फिजिकल एडमिट कार्ड हैं किन किन कैंडिडेट के यहाँ पर आने वाला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ सी आई पी एफ टेस्टमेंट में रिजल्ट का वेट कर रहे थे, फिजिकल डेट का वेट कर रहे थे, कट ऑफ कितनी जाने वाली है एग्जाम रिजल्ट की, दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के यहाँ एंड तक जरूर देखें। जो भी डाउट है यहाँ सी आई पी एफ टेस्टमेंट से रिलेटेड, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो के एंड तक जरूर देखें। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पर मिल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सी आई पी एफ टेस्टमेंट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और दोस्तों, बात की यहाँ पर वैकेंसीज की, तो दोस्तों इसमें यहाँ पर 9,222 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आउट की गई थी। और दोस्तों देख सकते हैं, मार्च में यहाँ पर ये वैकेंसीज आउट की थी, और सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से इसमें सबसे पहले एग्जाम हुआ था, और एग्जाम जो हुआ था यहाँ पर सी आर पी एफ ट्रेसमेंट का यहाँ पर जुलाई मंथ में यहाँ पर हुआ था। 1 जुलाई से 13 जुलाई तक यहाँ पर एग्जाम चले थे यहाँ पर सी आर पी एफ ट्रेसमेंट में। तो दोस्तों, काफ़ी कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम जो हुआ था यहाँ पर जुलाई मंथ में, उसका यहाँ पर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, और इसकी यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एग्जाम को यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कि ये कि यहाँ पर सी आर पी एफ प्लेसमेंट का यहाँ पर फिजिकल कब तक होने वाला है। दोस्तों, फिजिकल कब तक होगा, और दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाए इसकी मैं ऑफिशियल जानकारी आपको वीडियो के एंड तक दे दूंगा। वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखें। पर दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ एग्जाम हुआ था जुलाई मंथ में, उसकी यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाने वाली है। पोस्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ, यहाँ पर किस कैटेगरी में किस पोस्ट में यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों तरह से यहाँ पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताइए कि यहाँ पर किस पोस्ट में यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सफाई कर्मचारी पोस्ट की। तो दोस्तों, जनरल में जहाँ कट ऑफ जाने वाली है 70+ में यहाँ पर जाने वाली है, ओबीसी में 69+, एसटी और एससी में यहाँ पर जाने वाली है 63+ यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। जो कैंडिडेट सफाई कर्मचारी पोस्ट में एग्जाम दे के आए थे, अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर 70+ में मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। और दोस्तों, बात करूँ बायोटेक के एरिया पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है वो 70 यहाँ पर जाने वाली है, ओबीसी में 68, एसटी और एससी में यहाँ पर जाने वाली 62+ यहाँ पर फाइनल कट ऑफ नहीं है। दोस्तों, एग्जाम कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका एग्जाम हुआ था यहाँ पर जुलाई मंथ में, उसकी जो पासिंग मार्क्स है एग्जाम की वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। बात करूँ दोस्तों टेलर पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में आप 70, ओबीसी में 68 और एसटी और एससी में यहाँ पर जाने वाली 62 यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ बगल पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में 70, ओबीसी में 67, एसटी और एससी में जाने वाली यहाँ पर 61 यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। बात करूँ दोस्तों ड्राइवर पोस्ट की, तो दोस्तों जनरल में यहाँ पर 80, ओबीसी में 78, एसटी और एससी यहाँ पर जाने वाली है 72 यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों सबसे बात मैं बात करूँ यहाँ पर लास्ट में कुक पोस्ट की, तो दोस्तों कुक में जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी है उसमें आप 70+ यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है, ओबीसी में 68, एसटी और एससी यहाँ पर जाने वाली है 62। तो दोस्तों काफ़ी हाई यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो दोस्तों सफाई कर्मचारी पोस्ट में यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी थी, इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए इसी पोस्ट में यहाँ पर फॉर्म भरे गए। तो दोस्तों कुल मिलाकर काफ़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी पोस्ट वाले हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर रहने वाला है यहाँ सफाई कर्मचारी पोस्ट में यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों हम पोस्ट को यहाँ पर साइड में रखें, अगर आपने यहाँ पर सी आर पी एफ ट्रेसमेंट का फॉर्म भरा है और आप यहाँ पर जुलाई मंथ में एग्ज़ाम दे के आएँ, अगर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में 70+ में मार्क्स हैं,
हम पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सीआरपीएफ प्लेसमेंट का जो है एग्जाम हुआ था सिर्फ उसकी। अगर आपके यहाँ पर एग्जाम में 70+ में मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। जो कैंडिडेट हैं आपका पासिंग मार्क्स जो आप मैं आपको सिर्फ इसको बता रहा हूँ सीआरपीएफ प्लेसमेंट एग्जाम का 70+ में आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम। जो कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई करेगा उनका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर फिजिकल उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम क्रॉस करेंगे। और दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर सीआरपीएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और कब से यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ लास्ट वीक सीआरपीएफ की कई भर्तियों में यहाँ पर फाइनल रिजल्ट भी आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट भी आए हैं। तो दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर सीआरपीएफ में रिजल्ट आने रहे हैं तो दोस्तों उसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ सीआरपीएफ प्लेसमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पर रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। और दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से बताऊँ दोस्तों, एक जो आने वाली वीक है यानी कि सप्ताह है, उस सप्ताह में आप यहाँ पर सीआरपीएफ प्लेसमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये अच्छी बात है। रिजल्ट की जो यहाँ डेट है यहाँ आउट नहीं हुई है, जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आए थे सीआरपीएफ में उसी को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर सीआरपीएफ प्लेसमेंट का जो रिजल्ट है कभी भी यहाँ पर जारी हो सकता है। आने के लिए कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए, नेक्स्ट वीक भी आ जाए, नेक्स्ट मंथ भी, पर दोस्तों यहाँ कभी भी रिजल्ट आ सकता है सीआरपीएफ प्लेसमेंट में। जो भी कैंडिडेट के यहाँ पर आंसर की जारी होती है सीआरपीएफ प्लेसमेंट में उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि हम सीआरपीएफ प्लेसमेंट के जो एग्जाम है हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो दोस्तों वे कैंडिडेट स्पेशली यहाँ पर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही यहाँ पर एग्जाम का जो रिजल्ट है जारी होता है उसी के साथ साथ यहाँ पर कब से फिजिकल होने वाले हैं इसकी यहाँ पर डेट जारी होने वाली है। तो दोस्तों एग्जाम रिजल्ट का आप वेट करें ये अच्छी बात है, पर दोस्तों फिजिकल की भी तैयारी आप अच्छे से करें। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, फिजिकल डेट आउट हो सकती है जब भी यहाँ पर रिजल्ट आउट होता है। जब भी यहाँ पर रिजल्ट आता है सीआरपीएफ प्लेसमेंट का उसके एग्जैक्ट फिक्स 20 दिन के बाद यहाँ पर सीआरपीएफ प्लेसमेंट में फिजिकल होने वाले हैं। अगर आपके यहाँ पर रिजल्ट कल आता है तो उसके 20 दिन बाद आपके यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। दोस्तों ये ऑफिशियल हो चुका है पहले ही, दोस्तों पहले भी यहाँ पर फिजिकल डेट आउट हुई थी पर दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था तो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल नहीं हुआ था। तो दोस्तों उसी को देखते हुए जब भी यहाँ पर रिजल्ट आता है सीआरपीएफ प्लेसमेंट का उसके 20 दिन बाद यहाँ पर फिजिकल होने तय हैं। तो दोस्तों बात करूँ यहाँ पर फिजिकल की, लड़कों की 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 24 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। स्पेशली लड़के यहाँ पर अपनी यहाँ पर रनिंग की तैयारी अच्छे से करें, 5 किलोमीटर की आपकी यहाँ पर दौड़ होने वाली है। लड़कियों की यहाँ पर 1600 मीटर की यहाँ पर दौड़ होने वाली है। लड़कियों की सीआरपीएफ प्लेसमेंट में लड़कियों को 1600 मीटर की जो दौड़ होगी उसमें टाइम मिलने वाला है 8 मिनट 30 सेकेंड का। दोस्तों लड़के तो यहाँ पर रनिंग क्रॉस कर लेते हैं पर लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो स्पेशली लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें। जो मैंने आपको यहाँ कट ऑफ बताई है उससे 1 या 2 या 3 या फिर 4 नंबर आप लड़कियों के यहाँ पर कट ऑफ कम जाती है। और जो मैं आपको यहाँ कट ऑफ बताई है पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा रिजल्ट में कितनी कट ऑफ गई उसमें यहाँ पर 2 या 3 नंबर का यहाँ पर डिस्टेंस रहने वाला है। जो मैंने आपको यहाँ कट ऑफ बताई है उसी के हिसाब से मैं बताइए जो यहाँ पर जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों 1 या 2 नंबर का फर्क हो सकता है, पर दोस्तों इतनी यहाँ पर जाने वाली है एग्जाम की यहाँ जो कट ऑफ है जब भी यहाँ पर रिजल्ट जारी होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई है। तो दोस्तों अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें, जो नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दें, यहाँ रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अगर किसी कैंडिडेट का सीआरपीएफ प्लेसमेंट कट ऑफ रिजल्ट या फिर फिजिकल से रिलेटेड कुछ डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कर देना या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो में जो जानकारी दी है सीआरपीएफ प्लेसमेंट से रिलेटेड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना और फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।